वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब की। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लगातार मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे भारत से जहां से भी हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, फार्मासिस्ट, ANM, GNM, BSc नर्सिंग से रिलेटेड, जो भी पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आ रही है उसके बारे में लगातार जानकारी दे रहा हूँ। और उससे रिलेटेड जो क्या क्या आपका इंटरव्यू अगर होना है, वाकई इंटरव्यू रेलवे की तरफ से, उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किस तरह से होना चाहिए, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार दे रहा हूँ। ठीक है, उसी कड़ी में आज हम लोग देखते हैं एक और नोटिफिकेशन अभी दिया हुआ है COVID-19 को लेकर, जो कोरोना वायरस पैनेडेमिक जो है, वर्ल्ड पैनेडेमिक इसको कहें, वैश्विक महामारी को देखते हुए रेलवे ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और उसी के कड़ी में आज वैकेंसी आपको मिल रही है उत्तर पश्चिम रेलवे से। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे से जयपुर ऑफिस, ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर से मिल रही है। और इसमें जो है विषय है तत्काल सचत्कार पैरामेडिकल स्टाफ जयपुर मंडल। ठीक है, और संदर्भ रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या ENG 11/2005 RC 4 CSC 2 दिनांक 28/3/2020 एवं 31/3/2020। कोरोना COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम में बचाव हेतु उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल पर चिकित्सा विभाग में पैरामेडिकल स्टाफ के निम्न पदों के पूर्णकालिक संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों में खुली भर्ती के द्वारा भरने के लिए विज्ञापन में 28 तिथि समय स्थान पर तत्काल सचत्कार वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। पात्र व इच्छुक उम्मीदवार इस हेतु मूल प्रमाण पत्रों एवं संलग्न परफॉर्मा में आवेदन के साथ सचत्कार हेतु निर्धारित तिथि व स्थान पर अपना उपस्थिति सुनिश्चित करें। ठीक है, तो इसमें क्या है इम्पोर्टेंट क्या है उसमें देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो केंद्रीय चिकित्सालय जयपुर से है क्या क्या है, तो एक है स्टाफ नर्स की जो कुल रिक्ति है, कुल वैकेंसी है 48। हॉस्पिटल अटेंडेंट का होता है उसमें 60 है। फिर जाके है एक्सरे टेक्नीशियन, इसका 3 सीट है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 8 सीट है। ECG टेक्नीशियन का 2 है। हाउसकीपिंग असिस्टेंट, ठीक है, हाउसकीपिंग असिस्टेंट सफाई वाला का 45 और फार्मासिस्ट का 2। और इसी के बाद जो है अधीन CMS जयपुर में क्या क्या है, तो स्टाफ नर्स फॉर आइसोलेशन ऑन 6 आवर्स रोटेशन बेसिस पे 10 सीट है। हाउसकीपिंग असिस्टेंट सफाई वाला का 6 सीट। तो इधर से केंद्रीय चिकित्सालय जयपुर में 168 सीट हुआ टोटल, और इधर से अधीन CMS जयपुर में 16। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। स्टाफ नर्स के लिए देख लीजिए, दिनांक 1/4/2020 को आयु कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम जो है 20 साल और मैक्सिमम जो है 40 साल होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, द कैंडिडेट शुड पोजेज सर्टिफिकेट एज ए रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास 3 ईयर्स कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ फ्री फ्रॉम ए स्कूल ऑफ नर्सिंग और अदर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल और BSc नर्सिंग। ठीक है, इसके बाद है हॉस्पिटल अटेंडेंट। ठीक है, इसमें एज कहता है कि 1 अप्रैल 2020 को आपका एज होना चाहिए बिटवीन 18, मतलब मिनिमम जो 18 और मैक्सिमम 33 साल। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 10th पास होना चाहिए। ठीक है, देखिए स्टाफ नर्स का जो पेमेंट है बहुत ही अच्छा पेमेंट कहेंगे इसको, बहुत अच्छा पेमेंट कहेंगे, 44,900 सेवन्थ पे मिल रहा है, 44,900 बहुत ही रॉयल जॉब स्टाफ नर्स। इसके बाद है हॉस्पिटल अटेंडेंट, इसमें भी कुछ ख़राब नहीं है क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास मांग रहा है, इसमें जो है 18,000 आपको दे रहा है रेलवे, कोई बात नहीं है। फिर जाके है कि रेडियोग्राफर का एज जो मिनिमम एज है 19 साल और मैक्सिमम जो है 33 ईयर्स है। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10+2 विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी
एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी 2 ईयर्स कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। देखिए इस तरह से जानकारी जो है उससे आपको ये फ़ायदा हो रहा है कि कम से कम आपको कैसे कैसे रेलवे में जॉब आता है ये भी आपको इससे मेरे वीडियो के माध्यम से मिल जा रहा है। तो एक तो मेरे वीडियो पे आपको दो तरह से इन्फॉर्मेशन का आपको फ़ायदा मिल रहा है जिसे आपको बहुत अच्छे से उठाना चाहिए और पूरे वीडियो को अच्छे से आराम से बिना स्किप किए देखना चाहिए, ठीक है ना। पहला है आपका इसमें पहला है कि आपको वैकेंसी मिल रही है कि रेलवे में किस किस टाइप की वैकेंसी आती है और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, जो आपको नए कैंडिडेट हैं जिन्होंने कुछ कर नहीं रखा है और जो अभी इंटर किए हुए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि किस तरह से वैकेंसी आती है और किस तरह से कोर्स करके अपने लाइफ को जो है सिक्योर किया जा सकता है, ठीक है। तो एक्सरे टेक्नीशियन में जो है मिनिमम एज मांगता 19 साल और 33 साल जो है मैक्सिमम साल, और क्वालिफिकेशन की बात की जाए 10+2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विथ डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी या एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी 2 ईयर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और पेमेंट करता है कितना, तो 19,900 रुपये इसका पेमेंट करता है। फिर है लैब टेक्नीशियन, इसमें जो है एज मिनिमम एज जो है 18 साल और मैक्सिमम जो है 33 ईयर्स। क्वालिफिकेशन की बात की जाए, देखिए कितना अच्छा जानकारी आपको मिल रहा है मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार कि रेलवे में किस टाइप से बहाली आती है और किस टाइप से अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार होकर रहना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं लैब टेक्नीशियन का जो मात्र 10+2 स्टेट विथ साइंस +2 या डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी DMLT फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, और पेमेंट की बात की जाए तो 21,700 इन Level 3 ऑफ 7th CSC। इस तरह से अगर ECG टेक्नीशियन की बात की जाए तो इसमें मिनिमम एज मांगता 18 साल, मैक्सिमम 33 साल, और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10+2 ग्रेजुएशन इन साइंस हैविंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन ECG लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कार्डियोलॉजी टेक्निक्स ऑफ ए रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट नॉट सर्टिफिकेट शुड बी मिनिमम ऑफ 1 ग्रेजुएशन एंड अबव, मतलब 1 साल का कम से कम ECG टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और एज की बात की जाए तो इसमें मांग रहा है कि 18 साल से 33 साल तक, और पेमेंट आपको 19,900 दे रहा है। हाउसकीपिंग असिस्टेंट सफाई वाला के लिए एज 18 साल, मैक्सिमम 33 साल, 10th पास मांग रहा है, 18,000 पेमेंट है। फार्मासिस्ट का मांग रहा है एज जो है वो 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। 10+2 साइंस और इट्स वैलेंट विद डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड रजिस्टर्ड एट फार्मासिस्ट अंडर द फार्मासिस्ट एक्ट 1948, और 29,200 दे रहा है। ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा पोस्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में जान लीजिए, और क्या कहता है कि साक्षात्कार के लिए स्थान एवं समय, मतलब कब इंटरव्यू होना है, टाइम तो 9 अप्रैल 2020 को समय जो है 10 से 13 बजे मतलब 1 बजे तक स्थान है मंडल प्रबंधक कार्यालय उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में होना है, ठीक है। कुछ नोट दिया महत्वपूर्ण जानते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुसार दे होगी, ठीक है। और क्या इसमें है, जो महत्वपूर्ण है उसको बता देते हैं, तो महत्वपूर्ण तो इसमें कुछ लग नहीं रहा है। हाँ, इच्छुक उम्मीदवार अपना समस्त दस्तावेज स्व द्वारा हस्तापित के साथ ईमेल आईडी दिया हुआ है paramedical@gmail.com अथवा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9001119605, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ तो थोड़ा सा आपको स्पष्ट दिखाई दे। पर इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन समस्त दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रतिहस्तारित मतलब सेल्फ अटेस्टेड किए हुए आपके साथ ईमेल आईडी जो दिया हुआ है paramedical@gmail.com अथवा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ 9001119605 पर दिनांक 8 अप्रैल 2020 को 17 बजे तक मतलब 5 बजे तक अग्रिम रूप से भेजे तथा तत्काल साक्षात्कार के दिन अपना मूल आवेदन मूल दस्तावेजों की सत्यापित प्रति एवं पासपोर्ट साइज की 3 वर्तमान फोटो लेकर उपयुक्त निर्धारित दिनांक समय स्थान पर प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक रिपोर्ट करें। 13 बजे के बाद मतलब 1 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को रिपोर्ट नहीं ली जाएगी तथा उनसे किसी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाएगा। तत्काल साक्षात्कार हेतु उपस्थित देते समय उम्मीदवारों को अपने साथ अपने मूल फोटो आईडी, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक पहचान पत्र अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना होगा।
यदि किसी उम्मीदवार का साक्षात्कार के लिए आने में किसी प्रकार समय तो कंट्रोल रूम पे मोबाइल नंबर, देखिए इंटरव्यू में आने में दिक्कत हो रहा है तो हो सकता है कि उसको व्हाट्सअप कॉलिंग इंटरव्यू का वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन दे, और व्हाट्सअप नंबर दिया है कि 99 नहीं व्हाट्सअप नंबर नहीं है, व्हाट्सअप नंबर तो ऊपर था 9001199605, मोबाइल नंबर दिया हुआ है कि 9001199732 पर संपर्क करके बता सकता है कि हाँ मैं सर मैं नहीं आ सकता हूँ लॉकडाउन के लिए, इसके बाद कोई व्यवस्था करेंगे, हो सकता है कि आपका व्हाट्सअप कॉलिंग से इंटरव्यू लिया जा सके। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट करें www.nwr.indianrailway.gov.in पर देख सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड एक नज़र थोड़ा सा फॉर्म को देख लेते हैं हम लोग किस तरह से है। तो इस तरह से फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है, सेवा में सीमांत मंडल रेल प्रबंधक चिकित्सक उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, ठीक है। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो सब स्वयं द्वारा सत्यापित सेल्फ अटेस्टेड करना चाहिए। विषय पैरामेडिकल स्टाफ के पद तत्काल साक्षात्कार के लिए आवेदन। पोस्टिंग हेतु स्टेशन चूज करना है, 7 स्टेशन दिया हुआ है, प्रिफ्रेंस अपना लिखना है, जयपुर है, रेवाड़ी है, बांदीकुई है, अलवर है, फुलेरा है, रिंग्स है, सीकर है। इस तरह से जो है अपना जो है 7 जगह पे अपना आप प्रिफ्रेंस दे सकते हैं। कैसे कैसे आपको जाना, नाम पिता पति का नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता वगैरह, स्टेशन संख्या, इसको वो भरेंगे, आपको नहीं भरना है कि आप अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग संबंधित, उसमें भरना है, प्रमाण पत्र भी लगाना है, पूर्ण पता पिन कोड सहित मोबाइल नंबर डालना है कि आप सेवारत हैं, अगर जॉब में है तो लिख देना है, दस्तावेज सब अपना जो जो डिग्री है हाँ ना हमें कर दीजिएगा। और इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग ने जाना कि उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के तहत जो पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती है उसके बारे में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।